साथियों, जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थी। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना घर कर जाती है तो आध्यात्म और आस्था की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्मविश्वास हीन होता है वो आडंबर के भरोसे जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी। अपने तर्कों से यह सिद्ध किया और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाषाओं को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे। तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बनकर के आ गए। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। आप कल्पना कीजिए, आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है, अगर मैं भी कभी कहता हूं कि भाई कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा, तो कुछ लोग मुझे डांटते हैं कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो। अगर 21वीं सदी में मेरा यह हाल है तो 150-250 साल पहले महर्षि जी को समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कतें आई होगी। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया।
और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी और बड़े गर्व के साथ बताई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे समाज को स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी देन है, लेकिन उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा सबसे बड़ी देन है। महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूढ़ियां पनप गई थी, महर्षि दयानंद जी उनके खिलाफ भी एक तार्किक और प्रभावी आवाज बनकर के उभरे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150-200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। भाइयों और बहनों, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पदार्पण पूरे युग की चुनौतियों के सामने उनका उठ करके खड़े हो जाना यह असामान्य था, किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवंत उपस्थिति आर्य समाज के 150 साल होते हो, महर्षि जी के 200 साल होते हो और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा जीवन की ऊंचाई क्या हो सकती है। जीवन जिस प्रकार से दौड़ रहा है, मृत्यु के दस साल के बाद भी जिंदा रहना असंभव होता है, 200 साल के बावजूद भी आज महर्षि जी हमारे बीच में।